अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। इस टॉपिक से रिलेटेड या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के और भी जो टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो कंटेंट होगा वो इस बुक के रेफरेंस से होगा, जो शेरगिल की एक अच्छी एक्सपेरिमेंट की बुक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुक है। इसमें जो जितनी भी चीज़ें एक अच्छे वे में और एक सिंपल वे में डिस्क्राइब की हुई हैं। बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? बेसिकली एक्सपेरिमेंट हम करते क्यों हैं? एक्सपेरिमेंटल हम इसलिए करते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी रूट मालूम करने के लिए या उसका कॉज मालूम करने के लिए तो हम उसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज और टूल यूज़ करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं या प्रूफ करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ किए, डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ करके, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वगैरह यूज़ करके चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, चीज़ों को डिस्क्राइब किया या चीज़ों को प्रूफ किया। जैसे हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर सेंसेशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे या मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत डेप्थ में काम किया, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मकसद होता है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो कि या तो बहुत पेचीदा हैं या फिर उनका एक सही क्लियर पाथवे हमें मालूम नहीं है। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री की तो सबसे पहला जो हमारे पास नेम आता है वो हेनरिक वेबर का आता है। वेबर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे सेंसेशन रिस्पांस के काम के ऊपर अगेंस्ट द वेट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के हवाले से। उन्होंने एक और चीज़ ब्रेक की थी, थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन। थ्रेशोल्ड बेसिकली कहते हैं एक हद को, मतलब कोई भी चीज़ की एक हद जो आपके सेंसेस की एक हद होती है जहाँ से वो सिग्नल डिटेक्ट करना स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया था कि हमारे एक्चुअली सेंसेस कितने कहाँ से और कितनी हद से सिग्नल को डिटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं या कितने हद तक हम जो है सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके हवाले से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 2-पॉइंट थ्रेशोल्ड का। 2-पॉइंट थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि उनका मानना ये था कि जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट सेंसिटिविटी रेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके टिप ऑफ जो फिंगर है उसकी सेंसिटिविटी अलग है और जो आपकी बैक मसल्स हैं या जो आपके हार्ट मसल्स हैं, आपके लेग मसल्स हैं, उनकी सेंसिटिविटी अलग है। इस हवाले से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि उन्होंने 2 पिन पॉइंट्स लिए थे, नोकीली 2 चीज़ें ली थी जो बहुत एक दूसरे से क्लोजली रखी थी और वो जो है दोनों टिप की थी फिंगर पर। तो जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर टिप की थी उसने रिस्पॉन्स किया था कि उसको 2 चीज़ें चुभती हुई महसूस हुई हैं, लेकिन जब वही चीज़ उसने उन्हीं रेट के ऊपर जब बैक पे उन्होंने पिन की थी तो जो उसके सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स था उनका मानना ये था कि उनको खाली एक कोई भी चीज़ चुभती हुई महसूस हुई है। तो 2-पॉइंट थ्रेशोल्ड का ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ब्रेक किया था। इसके अलावा उनका मानना ये था, उन्होंने एक टर्म ब्रेक की थी JND। JND मीन्स होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। उनका मानना ये था कि सेंसेशन आपकी डिपेंड करती है आपके स्टिमुलस की डिफरेंट रेट के ऊपर। मतलब आपके अगर स्टिमुलस का वॉल्यूम 6 होगा तो आपके जो सेंसेशन है वो उस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करके उसको कैच करेगी। ऐसा नहीं होता कि एब्सोल्यूट डिफरेंट होता है या तो चीज़ आपको सुनाई देगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है प्लस या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव, होना या ना होना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, बल्कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस उन्होंने बताया था कि हल्की हल्की चीज़ें आपको पिक होती हैं और बहुत हल्की भी चीज़ पिक हो जाती है या बहुत लाउड चीज़ भी आपको पिक हो जाती है, उसके मिड में भी अगर कहीं पर होगी, अगर उसकी लेंथ या उसकी स्ट्रेंथ आपकी स्टिमुलस की वो जिस हिसाब से होगी आपको वही फील होगी या आपको वही महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि या तो होगी या तो नहीं होगी, कम भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लो मीडियम भी हो सकती है। तो ये उनका मानना था। आगे जाकर आप देखेंगे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को और ये थ्रेशोल्ड के पॉइंट्स को जब साइकोफिजिक्स के अंदर ये सारा इनका डिफाइन किया हुआ है, ये बहुत एक अच्छा। वेबर के बाद जो उनके काम को आगे लेके चले थे वो गुस्टाव फेक्चनर थे। ये भी एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और ये पायनियर समझ जाते हैं साइकोफिजिक्स के और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के। फेक्शनर बेसिकली जो है वो
वाइबर के जो कॉन्सेप्ट था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का, उसी को मॉडिफाई किया था और उसके अंदर डिफरेंट थ्रेशहोल्ड और एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड के कॉन्सेप्ट को ये लेकर आए थे। फेचनर ने बेसिकली जो है साइकोलॉजी को और फिजिक्स को जो है वो रिलेट करके मैथमेटिकली तरीके से इसको जो है वो मैथमेटिकली तरीके से इसको पेश किया था। डिफरेंट थ्रेशहोल्ड के अंदर उन्होंने कुछ फार्मूलाज बताए थे, उनके अंदर बताया था हम किस तरह से डिफरेंट थ्रेशहोल्ड का मतलब ये होता है कि दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस मालूम किस तरह से हम करते हैं, और एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड का मतलब ये होता है कि हम साउंड या कोई भी चीज़ को कितने हद से महसूस कर लेते हैं या कितने हद से हमारे जो सेंसेस हैं वो उसको कैच कर लेते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो आप आगे जाके पढ़ेंगे साइकोफिजिक्स के अंदर। उसके अलावा उन्होंने थ्री मेथड्स दिए थे, मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुलस दिया था, तो मेथड ऑफ लिमिट्स जो सेकंड मेथड था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी जो सेंसेशन है उसका थ्रेशहोल्ड चेक करते थे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में। ये फॉर एग्जांपल होता है इस तरह से था कि अगर एक बल्ब आपकी आई के आगे फुल इंटेंसिटी के ऊपर चलाया जाए तो ऐसी बात है आप आँख नहीं खोल सकेंगे, लेकिन अगर जब उसको आस्ता आस्ता स्लो किया जाता था और स्लो करते करते सब्जेक्ट से पूछा जाता था कि जब आपको दिखने लग जाए या आपकी आँख खुलने लग जाए तो आपको उस टाइम रिपोर्ट करना है। फिर इसी तरह से उसी स्टिमुलस को उसी बल्ब को लो इंटेंसिटी से जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ाया जाता था और पूछा जाता था कि जिस मौके पर आपको दिखे कि बल्ब के अंदर लाइट या बल्ब जलने लग गया तो आपको बताना है। इस तरह से वो अप्स एंड डाउन्स की लिमिट्स को जो है आपकी सेंसेशन को वो रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट था, उसके अंदर खुद आपको स्टिमुलस जो है एडजस्ट करना था, आपके हाथ में वॉल्यूम या कोई भी एक स्टिमुलस दिया जाता था और जिस मौके पर आपके सेंसेस उसको डिटेक्ट कर लेते वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना था। तो इसके थ्रू उन्होंने साइकोफिजिक्स उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी साइकी का जो है फिजिकल वर्ल्ड्स के साथ रिलेशन है और हम किस तरह से परसीव करते हैं, क्या हमारी लिमिट्स है, ये सब चीज़ें उन्होंने साइकोफिजिक्स के अंदर बताई हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे साइकोफिजिक्स के पूरे चैप्टर के अंदर। इनके बाद जो आने वाले थे उनका नाम था हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़, और हेल्महोल्ट्ज़ ने जो काम किया था वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जर्मन ये भी, और इनका जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम था वो मैथमेटिक्स ऑफ आई था। ये विजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था और वो जो बहुत पॉपुलर भी हुआ था, और इन्होंने परसेप्शन ऑफ कलर के बारे में भी बताया था। इनका मानना ये था कि जो हम परसीव कर रहे होते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कलर्स हैं या जो हमारे सामने कलर आ रहा था वो बेसिकली कलर नहीं होता, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं। वो वेव्स हमारे जो आई है हमारी जो आई का रेटिना है जो रिसेप्टार्स हैं वो उसको लेते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन को देते हैं, ब्रेन एक इमेज बना के और परसेप्शन बना के वो उसको आगे फर्दर डिफरेंट एरिया में जहाँ स्पेसिफिक एरियाज हैं वहाँ फॉरवर्ड करता है और हमारा एक परसेप्शन बनता है किसी भी चीज़ों के बारे में। इनसे पहले यंग थे, यंग की थ्योरी के मुताबिक ये था कि हमारी आई में एक रिसेप्टर होता है वो सारे कलर्स को जो है का सारे जो कलर्स होते हैं उनकी वेव्स को पिक करता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को देता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंगली हमारे आई में तीन टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं उनमें एक होता है स्मॉल रिसेप्टर, फिर मीडियम और फिर एक लार्ज रिसेप्टर। उन्होंने कलर्स दिए थे इनको, जो स्मॉल वाला था उन्होंने उनको ब्लू नोट किया था, मीडियम वाले को ग्रीन और लार्ज को रेड दिया था। इनके अकॉर्डिंगली ये तीनों रिसेप्टर डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी वेव्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है या उनकी जो इंटेंसिटी होती है, अगर लो होगी तो वो स्मॉल पिक करेगा, ये तीनों काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो कलर्स हम दुनिया में देख रहे होते हैं हमारे सामने हो रहे होते हैं उनको यही रिसेप्टर्स पिक करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को इमेज क्रिएट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने 1840 में जो है एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सिव के हवाले से। इसके ऊपर जो सबसे पहले काम किया था वो लुई गल्वानी ने किया था। गल्वानी जो बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया था कि हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी नेचर का है और जो हमारी इम्पल्सिव होती हैं या जो हमारी न्यूरॉन कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी नेचर का होता है। इससे पहले ये माना जाता था कि हमारा जो ब्रेन है वो CSF मतलब फ्लूड के ऊपर काम करता है और जो CSF फ्लूड होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे ब्रेन के एक्शन के हवाले से। लेकिन इन्होंने जो है फिर आके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पे उनके ब्रेन को जो है ऊपर से कट करके और इलेक्ट्रिसिटी देकर उन्होंने डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन और इलेक्ट्रिसिटी जो नेचर की इम्पल्सिव हैं वो उन्होंने ब्रेक की थी कि नहीं हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की नेचर पे काम कर रहा होता है।
तो हेल्महोल्ट्ज़ थे, उन्होंने बेसिकली चेक किया था कि जो हमारी स्पीड है ट्रांसमिशन की, मैसेजिंग की, न्यूरॉन की स्पीड है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी है या उसकी कम इंटेंसिटी की है। तो उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर काम किया था तो फाइंड हुआ था कि वो काफ़ी कम है इलेक्ट्रिसिटी नेचर के हवाले से, और वो डिटेक्टेबल भी है, और इस हवाले से हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया ब्रेन का किस हवाले से काम कर रहा है। और बाद में आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर काम भी किया था, जैसे रिएक्शन टाइम के ऊपर काम किया था और मेंटल एक्ट के ऊपर काम किया था कि किस तरह से कौन सा स्पेसिफिक एरिया हमारा जो है किस तरह से काम करता है और कितने टाइम में काम करता है और कितना क्विकली काम करता है। तो फिर आस्ता आस्ता इन्हीं की थ्योरी के ऊपर काम करना स्टार्ट हो गए थे। और फिर हेल्महोल्ट्ज़ का एक और था कि उन्होंने डिफरेंस जो है डिफरेंशिएट क्रिएट किया था कि सेंसेशन और परसेप्शन का, सेंसेशन और परसेप्शन का जो डिफरेंस है वो उन्होंने अपनी आई थ्योरी के थ्रू ही बताया था कि किस तरह से हम लोग सेंस कर रहे होते हैं और हमारा ब्रेन किस तरह से परसीव कर रहा होता है। इन्होंने एक और चीज़ थी जो इन्होंने एक और चीज़ ऑप्थेलमोस्कोप जो है वो फाइंड की थी, और जो है वो एक रेवोल्यूशनरी जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। ऑप्थेलमोस्कोप एक बेसिकली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू हम जो है लिविंग रेटिना को देख सकते थे। उनके बाद सर फ्रांसिस गल्टन आए थे, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है स्टार्ट किया था, कि इन्होंने बताना स्टार्ट किया था कि हर इंसान की परसेप्शन में डिफरेंस होता है, हर इंसान की सेंसेशन में डिफरेंट होता है, इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है। और यही फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था मेजरिंग द इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। ये जो है मेंटल एबिलिटी और जो इंटेलिजेंस है वो हर इंसान की इन्होंने चेक करने के लिए टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा इन्होंने जो है सजेस्ट किया था कि जो फिंगरप्रिंट है वो यूज़ हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की पर्सन के लिए। गल्टन बिलीव दैट टेस्ट ऑफ सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन कुड सर्व एज अ मेजरमेंट ऑफ पर्सनल इंटेलेक्ट। उनका मानना ये था कि जो आपकी सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान की डिफरेंट होती है, वो सेंसेस उसके ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक इंसान के दूसरे सेंसेस अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा होता है। तो अगर हम देखें तो जो जिसके सेंसेस ज़्यादा अच्छे होंगे उसकी डेफिनेटली जो है इंटेलेक्ट भी ज़्यादा अच्छी होगी। इस हवाले से उन्होंने कुछ जो है वो डिसेबल लोग थे उनको देखा था कि उनकी सेंसरी जो पावर है या जो उसके सेंसेस हैं वो पुअर होते थे। तो उन्होंने उनको एग्जांपल बना के दिया था कि उनके जो सेंसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते और वो इतनी जल्दी चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से उनकी इंटेलिजेंस भी कम है। इसके ऊपर आगे बहुत डिबेट हुई थी, आप आगे जाके इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। उनके बाद विलहेम वॉन आए थे, और विलहेम ने जो विलहेम को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट जो है बाकायदा एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरी बनाई थी लाइपज़िग जर्मनी में, और वहाँ पर फिर इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनका जो मेन एक एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता था, जिससे वो कॉन्शियसनेस मालूम करना चाहते थे कि जो उनका सब्जेक्ट है उसके कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ चल रही है। वो कोई भी चीज़ के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से सब्जेक्ट के जो है पूछते थे कि इसके बारे में बयान करें या अपनी मेंटल स्टेट्स के बारे में बताएं, तो खुल के जो है सब्जेक्ट को होता था कि वो कुछ भी बता सकता है, क्या फील कर रहा है या क्या किस तरह से, तो वो ख़ुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन जो है करता था सब्जेक्ट, और वो उससे अंदाज़ा लगाते थे उनकी कॉन्शियसनेस का। ही फर्स्ट ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड परसेप्शन एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अपरसेप्शन। अच्छा, ये अपरसेप्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक होती है परसेप्शन, परसेप्शन इस तरह से होती है कि आपने कोई चीज़ देखी तो आपने बोला ये डॉग की तरह लग रहा है या ये डॉग है, या आपकी परसेप्शन है। अभी आपको पता नहीं है कि जो है अगर बहुत दूर से एक चीज़ जा रही है तो आपने जो बोला कि ये डॉग है या डॉग की तरह कोई चीज़ जा रही है तो कहा ये डॉग है, तो ये आपकी परसेप्शन है। लेकिन अपरसेप्शन ये होती है कि अगर वो डॉग आपके सामने है तो आप ये बोलेंगे कि जो ना ये डॉग मेरे दोस्त के डॉग की तरह लग रहा है, इसमें आपके एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको अपरसेप्शन कहते हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस की बिना पर अपने एक एक्सपीरियंस देकर
और फिर उस चीज़ को जज करते हैं और उसको उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उसको एपरसेप्शन कहते हैं। जो है आने वाले थे, उनका नाम था हरमैन एबिंगॉस, और जो इन्होंने जो है मेमोरी के ऊपर काम किया था, और इन्होंने बताया था कि आप किस तरह से चीज़ें, इनका जो एक सबसे ज़्यादा एक काम पॉपुलर हुआ था वो फॉरगेटिंग कर्व के नाम से हुआ था। इन्होंने बताया था कि आप किस तरह से जो है आपकी मेमोरी, अगर कोई चीज़ याद रखेंगे तो वो कितने टाइम में और कितने परसेंट तक वो आप फौरन भूल जाते हैं। तो उन्होंने पूरा एक ग्राफ बताया था कि आप जो है 60% तक 20 मिनट्स में भूलते हैं, 1 आवर्स तक आपकी वो परसेंटेज 50% पे आ जाती है, और 8 आवर्स के बाद ये सामने आपको ग्राफ दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप रिहर्सल नहीं करते हैं, अगर आप उसको मेमोराइज नहीं करते हैं, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है मेमोराइज करें, आप उसकी रिहर्सल करें। अगर नहीं करते हैं तो आप इस तरह से सीखी हुई जो आपकी नॉलेज होती है उसको खोते रहते हैं। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 100% थी, उसके बाद 20 मिनट्स के बाद वही परसेंटेज आ गई, फिर 60 पे, फिर 1 आवर के बाद वो 50 पे आ गई, फिर वो 40 पे आ गई 8 आवर्स के बाद। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया था कि इंसान की मेमोरी किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस करती जाती है अगर वो उसको रिहर्सल ना करे। फिर उन्होंने बताया था कि अगर किसी चीज़ को सस्टेन रखना हो, अगर किसी नॉलेज को सस्टेन रखना हो, तो किस तरह से उसको रख सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि देन द नेक्स्ट डे डू इट अगेन, अगर आपने एक दिन कोई चीज़ पढ़ी है तो नेक्स्ट डे उसको दोबारा पढ़ें, फिर 2 दिन बाद दोबारा उसको रीड आउट करें, फिर 1 वीक बाद, और इस तरह 2 वीक बाद। ये भी उन्होंने कर्व दिया हुआ है कि किस तरह से आप करते हैं, कि एक दिन तक आपकी जो नॉलेज है वो 40% आती है, दोबारा जब आप उसको करते हैं तो दोबारा 600 पे जाती है, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से वो 80 पे आती है, फिर दोबारा जब आप करते हैं 2 डेज़ बाद तब दोबारा 100 पे चली जाती है, फिर जब टू उस इंफॉर्मेशन को जो आपने की है रिहर्सल की है 2 डेज़ बाद, जब वो दोबारा से 2 वीक्स के अंदर वो जो है 90 टू 80 के दरमियान आ जाती है, तो फिर उसको दोबारा आप जो है 1 मंथ के बाद अगर उसको दोबारा याद करते हैं या दोबारा मेमोराइज करते हैं तो वो आपकी मेंटेन रहती है आपकी। तो इस तरह से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए इस पैटर्न के थ्रू जा सकते हैं, ये एबिनॉस ने बताया था। उसके बाद जे पी वाटसन आए थे। अच्छा, जे पी वाटसन जो है वो बिहेवियरिज्म लेकर आए थे, फंक्शनल, जैसे स्कूल ऑफ थॉट था, स्ट्रक्चरिज्म के ऊपर बात हो रही थी उस टाइम, फंक्शनलिज्म आया, फिर उसके ऊपर बहुत बात हुई, फिर बिहेवियर के ऊपर बात होने लग गई कि हम जो है, कि उन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस को हम जो है ये एक परमानेंट एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेंज होती रहती है बाय द टाइम। अगर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट से हम किसी की मेंटल स्टेट या एबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं या उसकी परसेप्शन या सेंसेशन का अंदाज़ा लगाएं तो वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वक्त के साथ चेंज हो जा सकती है, क्योंकि आज कुछ और है उसकी मेंटल स्टेट, हो सकता है कल कुछ और हो, तो उसमें वेरिएशन आती रहती है। तो इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था उसके ऊपर कि वो उसके अंदर वेरिएशन आती है। द ट्रम बिहेवियरिज्म रेफर टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय द जे पी वाटसन बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी मेजरेबल। बिहेवियर एक ऐसा एलिमेंट है जो आप मेजरेबल कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस मेजरेबल नहीं है, ये क्रिटिसिज्म था जे पी वाटसन का। और फिर आप उसको ट्रेन भी कर सकते हो और उस बिहेवियर को आप चेंज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है जे पी वाटसन ने जो है कुछ अपनी एक थ्योरी भी दी थी, और उसके वाला उसके बाद जो है थॉर्नडाइक ने, बी एफ स्किनर ने बिहेवियर के ऊपर काम किया था, और डिफरेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट किए थे इस फील्ड में, और जो सारे एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर थे एनिमल के ऊपर थे। जो थॉर्नडाइक है, जो हमारा आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो भी तकरीबन 80%, क्योंकि उसके बाद जॉन डेवी आए थे उन्होंने, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे या बताया था किस तरह से इंसान लर्न कर सकता है, किस तरह बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है, कोई भी लर्निंग किस तरह से आप अपने बिहेवियर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने बताया था, लेकिन उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे एनिमल्स पे किए थे। तो एक क्वेश्चन रेज होता था कि आप एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि 100% यही आउटकम जो है ह्यूमंस पे भी आएगा। तो इनके बाद जो है जॉन डेवी आए थे, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किया था, और फिर बताया था कि किस तरह इंसान एक अच्छी प्रोडक्टिव लर्निंग सीख सकता है। तो फिर उनके बाद, लेकिन अभी भी थॉर्नडाइक का नाम है, जॉन डेवी के बाद उनका नाम थोड़ा दब गया था, लेकिन 80% अगर हम कहें या 70 to 50% भी चलें अगर हम कहें, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम
थॉर्नडाइक के रूल्स के ऊपर ही चल रहा है, जो लर्निंग चल रही है वो इस चीज़ के ऊपर चल रही है। फिर उसके बाद आने वालों ने जो है एसोसिएशन का बताया था कि किस तरह से हम एसोसिएट करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, फिर लर्निंग के ऊपर काम हो सकता होने लग गया था, फिर कॉग्निशन के ऊपर इसी तरह से काम होने लग गया था, फिर जिस जिस तरह फील्ड में इनोवेशन आती गई तो साइकोलॉजी में उन एस्पेक्ट्स के ऊपर भी काम होने लगा जो इससे पहले जिन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हुआ था, कॉग्निशन के ऊपर नहीं हुआ था या एसोसिएशन के ऊपर नहीं हुआ था। एसोसिएशन के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे उन्होंने जैसे B.F. स्किनर ने भी एसोसिएशन के लर्निंग के बारे में बताया था। इसके बाद जो है पेलवॉव आए थे, उन्होंने बताया था किस तरह से एसोसिएट करके आप लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं या आप बिहेवियर जो है आप इंजेक्ट कर सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से इनोवेशन आती गई साथ साथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद मेथडोलॉजी बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं या कौन से डिज़ाइंस हैं जिसको हम करके अपने जो है जो आउटकम है वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।